जग के लाभ छाणी प्रारब्ध है राम भजन की ठान। जग के लाभ अर्थात संसार के तात्पर्य मैटेरियलिस्टिक जो गेन्स अचीवमेंट्स मैटेरियलिस्टिक जितने हैं उन सब को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड है, वो तुम्हें मिलेगा जरूर। और यदि वो तुम्हें पहले से होगा और खोना तय होगा तो खो भी जाएगा जरूर, खो जाएगा जरूर, तुम नहीं रखवाली कर पाओगे। और मिलना होगा तो पता नहीं कहां से आके मिलेगा। इसलिए संतों का ये कथन है कि मेरा सो जावे नहीं, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। ये बात पक्की बांध लो मन में कि जावे सो मेरा नहीं, जो चीज खो गई कहीं ये मान लो कि मेरा नहीं था इसलिए चला गया वो, और मेरा सो जावे नहीं और जो मेरा है वो जाएगा ही नहीं। इसलिए दुखी सुखी बार बार इन चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जब बीमार पड़ता है कोई हार्ट पेशेंट होता है तो कार्डियोग्राम से उसका लेते हैं ना, उसका एक जैसे वो ग्राफ पेपर होता है तो उसमें लाइन सी बनी आती ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और यदि अचानक उसकी डेथ हो जाए तो लंबी सी प्लेन लाइन आती है। जब तक जीता रहता है तब तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाइन चलती है, और जब वो मर जाता है तो उस मरीज की ये लाइन ऐसे ऐसे नहीं चलती है, ऐसे चली जाती है, मरते ही सीधी लाइन जाती है। और जब तक जिंदा रहता है कार्डियोग्राम ऐसे खींचता रहता है ग्राफ पेपर पर ऊपर नीचे, अर्थात जब तक जिंदा रहोगे तब तक अप डाउन आते रहेंगे, ऊंचे नीचे होते रहोगे, जब मर जाओगे तभी बराबर होगे। उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कष्ट जो है वो प्रारब्ध का है, दुख प्रारब्ध का नहीं है। ये बंगला भाषा में विशेषता है कि कष्ट आछे। हम वहां जाते हैं यमुना जी पर तो बंगाली बहुत आते हैं दवाई लेने, तो उनसे हम पूछते हैं की कष्ट आछे, तो बोलते हैं हमको जोर आछे, जोर 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 को जोर। अब देखिए ये हमारी हिंदी लैंग्वेज से बंगला लैंग्वेज को इस समय मैं ज्यादा रिच बता रहा हूँ, नहीं रिचनेस क्या है मैं बता रहा हूँ, रिचनेस बिटवीन बोथ लैंग्वेज। देखिए क्या रिचनेस उसकी कि हम दुख और कष्ट को एक मानते हैं हिंदी वाले। हम यहाँ किसी की डिस्प्यूट वाली बात नहीं कर रहे, हमारे कहने का मतलब ये हमारी गड़बड़ी है समझने की। हम दुख और कष्ट को एक मानते हैं जनरली बोलने में, क्या दुख है भाई क्या कष्ट है की बात मान। लेकिन हमने वहां ये सीखा, एक से पूछा क्या दुख, बोले दुख तो कोई नहीं लेकिन कष्ट है। हाँ, उसको दवाई देना था हमें यमुना जी पर, हमने पूछा क्या दुख है, बोला दुख तो कोई नहीं है, तो हमने कहा तो, बोला कष्ट अच्छे। ये मेरे सामने की बात है, मेरे सामने घटी हुई बात। हमने पूछा दुख क्या है, बोला दुख तो कोई नहीं है, फिर क्या है, बोला कष्ट अच्छे। तो अब ये क्या डिफरेंस हुआ दोनों में, कष्ट जो है वो एक्सटर्नल है और दुख जो है इंटरनल है। जैसे सोचने का दुख बीमारी बना लेते हैं खुद। अच्छा आप लोग सीडी तो चलाए ही हैं, बहुत बार चलाए होंगे, शायद कोई अभी भी चलाता हो, और हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना बज रहा हो और वो उसमें स्क्रेच आ गई हो और हैप्पी बर्थडे टू यू न गा करके वो हैप्पी 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 लगातार बजने लगे तो क्या कहोगे, सीडी खराब हो गई। तो यही कहना पड़ेगा सीडी खराब हो गई, हटाओ इसको। तो हमारे
हमारे साथ जो कोई कष्ट वाली बात हुई है, अब उसको हम बार बार दिमाग में ला रहे हैं, बार बार दिमाग में ला रहे हैं, बार बार दिमाग में वही ला रहे हैं, तो सीडी की तरह आदमी भी खराब हो गया है। अर्थात उस कष्ट को दुख मत बनाओ। कष्ट जग के लाभ छाड़ी प्रारब्ध है। जो जग का जो हमारा प्रारब्ध है उसको तो उसके अधीन छोड़ दो, उसको अपना दुख मत बनाओ। वो कष्ट था, अपने टाइम पर आएगा जाएगा, लेकिन सोच सोच करके बीमारी पैदा कर लेते हैं और तब मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो भगवान की चिंतन नहीं करते, भगवान का चिंतन छूट जाता है, अपने ईगो लेवल को बिगड़ने का चिंतन, हमारी इंसल्ट हो गई इसका चिंतन, इंसल्ट तो हुई थी पता नहीं कितने साल पहले किस तारीख के कितने बजे, और सारे जीवन लादे चल रहे हैं, पागल हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं महाराज, बड़े दुखी होते हैं ऐसे आदमी। दवाई भी यही है कि भगवान का चिंतन करो, लेकिन चिंतन बिगड़ गया तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। एक ही वस्तु, देखिए मूड डिफरेंट होते हैं, वस्तु डिफरेंट नहीं होती, वस्तु एक है और उसके चिंतन करने वाले मूड कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, अलग अलग होते। ये भर्तृहरि जी ने कहा, उनका श्लोक मुझे याद आया, राजा भर्तृहरि थे पहले, फिर बाद में भर्तृहरि कहलाए। वो जूनागढ़ के पास में गिरनार पर्वत है गुजरात में, वहां पर एक गुफा में तप किए थे। उन्होंने वैराग्य शतक में लिखा है, उनके ग्रंथ वैराग्य शतक, उसमें लिखते हैं, कुणपम कामिनी मानसम योगभी कामभी स्वभी एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः। वो कहते हैं वस्तु एक है लेकिन दृष्टा भिन्न भिन्न होने से भाव भिन्न भिन्न हो गए। कुणपम, कुणपम मतलब डेड बॉडी, एक डेड बॉडी पड़ी है किसी महिला की, युवती महिला की डेड बॉडी पड़ी है, ऑर्नामेंट्स बड़े ज्वेलरी आज पहन रखी थी और अचानक हार्ट फेल हुआ और डेथ हो गई उसकी। कई लोग घेरे खड़े हैं, तो वहां से एक कुत्ता निकल रहा है, तो कुत्ता को समझ में आ गया कि ये मर गई है। तो कुत्ता सोच रहा है यदि सब लोग हट जाए तो मैं खाऊं। कुत्ता क्या समझ रहा है कि ये सब हट जाए तो मैं खाऊं मुर्दे को। और एक कामी निकल रहा है, कामी आदमी, ये तो युवती का शरीर है, जिंदा होती है और यहाँ कोई न होता तो मैं भोगता, मतलब घटिया दर्जे की सोच। एक कामी की सोच भोगने की, कुत्ता की सोच खाने की, और योग भी काम भी कुणपम, कुणपम कामिनी मानसम, मांस तो कुत्ता ने सोचा, कामिनी कामिनी ने सोचा, और चोर सोचा कि यदि यहां से लोग चले जाएं तो इसका आभूषण मैं उतार के लेके भाग जाऊं। तो हम लोग गिरे थे तो चोर ने देखा, अरे तो बहुत गहना पहनी हुई है, इस सब हट जाते तो मैं चुरा ले जाता। तो एक योगी आए, योगी ने कहा देखो कितना सुंदर शरीर था इसका, कितनी सजती धजती होगी ये, और आज बेचारी डेड हो गई, डेड पड़ी है। अरे संसार में कुछ नहीं है, ऐसे ही ऐसा शरीर एक दिन पड़ जाएगा, कहीं रास्ते में गिर जाएगा, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जो थोड़ी सी आयु बची उसमें भगवान का भजन कर ले और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर ले। वस्तु एक ही है, वस्तु एक है, कुणपम
कामिनी मांसम योगी भी काम भी स्वभी। योगी कामी कुत्ता और चोर। चोर ने तो चोरी करने को सोचा, कुत्ता ने मांस खाने को सोचा, कामी ने भोगने को सोचा, और योगी ने समझ लिया कि ऐसे ही शरीर ये भी चला जाएगा, इसलिए भगवान की दी हुई अमूल्य सौगात जो अभी मेरे पास है इसका उपयोग करके भगवान की भक्ति कर ले, नहीं तो कब प्रारब्ध खत्म हो कब समाप्त हो जाएगा। तो भक्तों शरीर के अप डाउन होते रहते, प्रारब्ध के होते रहते हैं, इसमें अपने को बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, हमको अपने हर परिस्थिति में प्रसन्न अपने को रखना है भगवान की भक्ति करने के लिए, टेंस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। अरे भाई बच्चों को देख लो, अभी आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो या स्टेशन पर हो या एयरपोर्ट पर हो, आप तो परेशान हो जाते हो कि गाड़ी कितनी लेट है या हमारा फ्लाइट कितनी लेट है, और बच्चे मस्त हैं। बच्चे क्या कहते हैं, अरे मौका बढ़िया मिला चल घूम के देख आए। बच्चे मस्त है कि अच्छा अच्छा 4 घंटा अभी चल रुकना है, 4 घंटा पूरा दौड़ लगाएंगे, पूरा दौड़ लगाएंगे, सब देख करके आएंगे, बड़ी जल्दी थी पापा को जाने की, अब मिल गया 4 घंटा अपने को देख। तो उस सिचुएशन में भी वो प्रसन्न है, तो अपने को प्रसन्न रखना है, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाओगे। तो लेकिन भगवान की भक्ति के लिए अपने जो मर्यादा होती है उसको भी ध्यान रखना है। रामचरितमानस में जिसका पाठ आज हुआ कर रहे थे आप लोग, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असिनारी। तुलसीदास जी ने कहा शिव जी के समान कौन भगवान राम जी का भक्त होगा। वृंदावन विहारी लाल की, सियावर राम चंद्र की जय।